मारुति सुजुकी ने अपनी चलाई थी। इस गाड़ी को कंपनी नेक्सा शोरूम डीलरशिप के जरिए भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी और इसका लॉन्च दोस्तों नए साल के मौके पर कंपनी का बताया जा रहा है। डिजाइन की बात करें तो नई एस्क्रॉस पुराने की तुलना में अन्य वाहनों के अधिक करीब काफी ज्यादा अलग हो गई है। फ्रंट ग्रिल में आपको शानदार प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मल्टीपल एलईडी हेडलैम्प और इंटीग्रेटेड एलईडी डेटम रनिंग लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी में आपको बोनट में भी कई सारे अग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सामने से गाड़ी को काफी ज्यादा मस्कुलर लुक दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में आपको शानदार एयर इनटेक और बैक साइड में आपको शानदार स्किड प्लेट्स के साथ एलईडी टेल लैंप्स का स्पोर्टी सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी के लुक को एक क्रॉसओवर लुक दे पाने में मदद कर रहे हैं। वही दोस्तों साइड में कंपनी ने इस बारी गाड़ी में 17 से 18 इंच के अलॉय व्हील्स ऐड ऑन करे हैं, जो कि गाड़ी के लुक को और भी ज्यादा बेहतरीन बना पाने में सक्षम बना रहे हैं। वही दोस्तों कंपनी ने इस गाड़ी में पूरी तरीके से न्यू जनरेशन इंटीरियर रखा है। गाड़ी में आपको प्रीमियम क्वालिटी लेदर का इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो कि शानदार डुअल टोन डैशबोर्ड फिनिश के साथ आएगा, जिसमें आपको लेदर फिनिश और वुडन टच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको एक शानदार 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और सुजुकी की शानदार कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको दोस्तों पावर स्टीयरिंग व्हील, एम्बिशन लाइटनिंग और साउंड सराउंड सिस्टम स्टैंडर्ड रूप से गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी में सेफ्टी के तौर पर इसमें आपको 4 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, 4 पार्किंग कैमरा और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिलने वाले हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी इस गाड़ी में आपको जबरदस्त पेट्रोल इंजन देने वाली है, जो कि 1.2 लीटर का शानदार माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये इंजन दोस्तों 50 HP की पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम है। इस शानदार क्रॉसओवर में आपको सुजुकी का शानदार कंपनी फिटेड CNG वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जो कि 20 से 30 किलोमीटर तक का माइलेज आराम से प्रदान कर पाने में सक्षम है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी को दोस्तों 10 से 5 लाख रुपए की कीमत के अंदर लॉन्च करे जाने की संभावना बताई जा रही है और इसे जल्द ही भारतीय बाजार में ग्राहकों के लिए उतार दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये न्यू जनरेशन एस क्रॉस कैसी लगी। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई गाड़ी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।